लाडवा पिपली और कुरुक्षेत्र अनाज मंडियों के दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को किसानों मजदूरों की आवाज सुनने की नसीहत दी। मंडी में पहुंचे हुड्डा के साथ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि धान की खरीद पर लिमिट लगाकर सरकार ने किसानों के साथ मजाक किया है, सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना चाहिए। आज मैं इंद्री मंडी और यहाँ पे भी आया हूँ, लाडवा भी गया हूँ और अभी आया हूँ यहाँ से कुरुक्षेत्र में। मेरा कार्यक्रम पहले से था कि इस सरकार को खरीद तो करनी चाहिए थी 15 सितंबर से, क्योंकि जो ये जहाँ ये जो धान पैदा होता है ये हाईब्रिड है और सरकार ने 15 रखी थी भाई, जब तक है 80 दिन 85 दिन में फसल हो जाती है, तो 10 तारीख सितंबर को लोगों की फसल आ गई थी, तो 15 से शुरू करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा भाई 25 से करेंगे, 25 से कहा कि 1 तारीख को करेंगे और 1 तारीख को कहा 11 तारीख को करेंगे। किसान ने सारा मतलब 2 लाख क्विंटल से ज़्यादा इस टाइम पीपली मंडी में धान पड़ा है और उसकी खरीद शुरू नहीं हुई। खैर ये बात हुई, केंद्र सरकार ने कल फैसला किया भी खरीद शुरू करो, क्योंकि केंद्र सरकार का बहाना लगा के हरियाणा सरकार खरीद नहीं रही थी, तो उसका तो मैं आभारी हूँ, लेकिन जो हरियाणा सरकार ने करना है वो कार्रवाई तो शुरू कर ही नहीं। कौन सी एजेंसी है यहाँ कहाँ गए भाई यार बताए, कौन सी एजेंसी है तो शुरू नहीं करी आज नाटक है। 300 क्विंटल का क्या मतलब, 2 लाख क्विंटल पड़ा हो, 300 क्विंटल खरीदेंगे तो कितने महीने में खरीदोगी? ये किसान के साथ मजाक है, क्योंकि कई ऐसे पैमाने इन्होंने रखे हैं जो आसानी से पूरे होते। एक तो ये पोर्टल वाला, पोर्टल का क्या भाई, जो 2 लाख ऑलरेडी क्विंटल आया हुआ है उसको तो खरीदो। वो मैं देख रहा था पोर्टल के लिए लाइन लगी हुई है, शेड्यूलिंग के लिए लाइन लगी हुई है, शेड्यूलिंग करेंगे। पंजाब में यहाँ से ज़्यादा धान पैदा होता है, उत्तरी प्रदेश में होता है और जगह होता है, कहीं नहीं है ये सिस्टम पोर्टल का, यही है इन्होंने पोर्टल शुरू किया है सिर्फ किसान को परेशानी बढ़ाने के लिए और उसको मजबूर है। इसी प्रकार से जो 35 क्विंटल से 33 क्विंटल का हमारे यहाँ तो हमारे समय तो कोई लिमिट थी नहीं, तो वो जो है इन्होंने 25 क्विंटल कर दिया एकड़ का। बाकी आज फसल अच्छी किसान की, किसी का 35 क्विंटल होगा एकड़ में, किसी का 37 होगा, 40 क्विंटल तक भी हो जाएगा, बाकी कहाँ लेके जाएगा। वहीं इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को कांग्रेस की बैठक होने वाली है जिसमें प्रत्याशी के नाम पर फैसला लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब की स्ट्रीट टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।